शहर च टॉफियां वांग विक रहा नशा, 500-500 रुपए दियां थां थां ते मिल जांदियां ने पुड़ियां। शरेआम विक रहे नशे दी वीडियो हो रही है वायरल। पुलिस एक्शन करन दी थां कहिंदी कि तस्करां ने घरां च पाल रखे ने पिटबुल। नशा बेचने के लिए, अपने बचाव के लिए पिटबुल कुत्ते पाले हुए हैं, और वो कुत्ते इतने खतरनाक हैं, जैसे ही पुलिस जाती है उनको पता लग जाता है और वो पुलिस को अंदर नहीं घुसने देते। रेड करन वेले लगदा है डर, ता पंजाब तो बाद हुण छोटा भरा पंजाब दा हरियाणा, जिथे नशे दियां जड़ां लगातार फैल रहीयां ने। जिहड़े नौजवान ने ओह नशियां दे विच पै रहे ने, कई मौतां हो चुकियां ने हुण तक नशे दी ओवरडोज करके। पुलिस नाकामयाब नजर आ रही है तस्करां नूं ठल पाउण दे विच। कई वीडियोस तुहानूं दिखाईयां जिन्हां दे विच शरेआम नशा विक रहा है। देख सकदे हो किसे थां ते औरत नशा वेच रही है, किसे थां ते नौजवान ही नौजवान दियां जड़ां वड्डण च लगे होए ने। तां दस दईए कि तस्करां दी जिहड़ी गिणती है वह शहर दे विच लगातार वधदी जा रही है। तस्वीरां दिखा रहे हां तुहानूं हरियाणा दे रादौर दियां, जिथे नशा तस्करां दी वीडियो वायरल हो रही है। शरेआम नशा तस्कर पैसे लैके नशा फड़ाउंदे होए वीडियो दे विच कैद होए ने, जिस तों बाद पुलिस तक यह वीडियो पहुंची। तो पुलिस का कहना सी कि तस्करां दे घरां च पिटबुल वर्गे खतरनाक कुत्ते हुंदे ने, रेड करन जांदे ने तां उहनां नूं डर लगदा है। जिवें ही रेड करन जांदे ने कुत्ते भौंकण लग जांदे ने, ते तस्कर सावधान हो जांदे ने। तस्कर इन्ने दे विच ही सारा नशा किसी गुप्त थां ते लुको दिंदे ने। आओ पुलिस का की कहना इस उपर वह भी जाणांगे। पहला देखो ये वीडियोज़ जिन्हां दे विच शरेआम धड़ल्ले दे नाल टॉफियां दे वांग शहर दे विच नशा विक रहा है। पिछले दिनों 2-3 वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही हैं। वो छोटा बास के रहने वाले हैं, हम उनके घरों पे लगातार रेड कर रहे हैं, उनको पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। वो घर से फरार हैं और उन्होंने नशा बेचने के लिए, अपने बचाव के लिए पिटबुल कुत्ते पाले हुए हैं, और वो कुत्ते इतने खतरनाक हैं, जैसे ही पुलिस जाती है उनको पता लग जाता है और वो पुलिस को अंदर नहीं घुसने देते। इतनी देर में वो फायदा उठा जाते हैं। उसके बाद भी हम लगातार रेड कर रहे हैं, और इसी कड़ी के दौरान कल हमने एक 10 ग्राम समय का पर्चा दिया है। वो मुलजिम को आज कोर्ट में पेश करेंगे, पूछताछ चल रही है और नशे को रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सच्चे साहब, लगातार खुले में नशा बिक रहा है, लगातार वीडियो वायरल हो रही है, तो कैसे नशे को कंट्रोल किया जाएगा? ऐसे इस बारे में कैंप लगाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और जो भी पीस कमेटी की मीटिंग ली जाती है, मीटिंग में भी ये बात की जाती है, और जितने भी मेडिकल की दुकानें हैं उन दुकानदारों को यहाँ बुलाकर उनकी मीटिंग ली गई पिछले महीने। सबको ये बताया गया है कि कोई भी डॉक्टर की पर्ची के बगैर कोई नशीली दवाई नहीं बेचेगा, कोई इस किसी को सीरीज नहीं बेचेगा, तो प्रयास जारी है जी। सर, आरोप रहता है, कुछ ग्रामीणों का आरोप था कि पुलिस पकड़ लेती है फिर उन नशा तस्करों को छोड़ देती है, इस तरीके से भी आरोप लगाए जा रहे हैं पुलिस पे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी, ऐसे किसी को पकड़ने के बाद छोड़ा नहीं जा रहा। कल पर्चा दिया है, आपके सामने है,